soup. Ooh, soup, 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 soup. गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी है इवनिंग का टाइम और चल रहा है हमारा इवनिंग टी, मतलब मेरा इवनिंग टी और मिष्टू का सूप। वेदर इतना ठंडा है ना, आज है फ्राइडे और आज भी बिल्कुल धूप नहीं था सारा दिन। पर मुझे 1 दिसंबर को ही बोले थे कि 3 तारीख तक ऐसा रहेगा, उसके बाद से फिर मतलब क्लियर हो जाएगा स्काई, मतलब सैटरडे से। और हमारे वहाँ पे मतलब वेस्ट बंगाल पे बोल रहे हैं कि आज से स्टार्ट होके अगले और 3 दिन तक ऐसा वेदर रहेगा। टोस्ट लाने गई थी, जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा एकदम मॉइस्चर वाला है, तो कपड़ा बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। तो कपड़ा धोना तो जरूरी है ना, आप कितने दिन बिना कपड़ा धोए रख देंगे, कपड़े भी नहीं बचेंगे हमारे पास जितने भी कपड़े हो, फिर पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचेंगे, और कितना आप रख देंगे धोने के लिए। ठंडा पानी सूप एक तो हल्का गर्म गर्म ही तो खाए। कलरिंग देखो ड्राइंग করেছি না ওটা গ্রিন তো ম্যাচিং হয় না কাছে মে সেম ম্যাচিং হ্যালো उसी दिन कट करके फ्राई करके या फिर किसी किसी खाने पे देखे खा लिया था, और ये दूसरा बैंगन है तो इसको आज भरता बनाऊंगी। तो हम लोगों में ना बैंगन का भरता मतलब इसको जलाते हैं ना गैस पे, तो ये सब चीजें ना डे देख के बनाया जाता है, मतलब बोलते हैं कि अपने जन्मवार के टाइम पे नहीं बनाना चाहिए। मंडे को अनुरुद्ध का है, ट्यूसडे को मेरा है, वेडनेसडे को मिष्टू का है, और थर्सडे को हम लोग लक्ष्मी का दिन मानते हैं गुरुवार, तो उस दिन नहीं करना चाहिए। तो बचा फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आज है फ्राइडे तो इसलिए आज मैं इसको जलाऊंगी, इसका भरता बनाऊंगी। अच्छा है, गैस के नीचे एक ऐसा प्लेट दे देती हूँ, क्योंकि इससे जो पानी गिरता है ना वो फिर नीचे गंदा होता है। बस भरता होने के बाद प्लेट निकाल के हम इसको क्लीन कर देते, तो गैस का नीचे क्लीन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जब जलता है तो बहुत कुछ गिरता है। रहने देते हैं। माँ बेटी अभी क्या खेल रहे हैं? कैरम। कैरम, और अभी जस्ट स्टार्ट किया है, और मम्मा ने अभी ऐसे लिया और स्ट्राइकर भी इधर में गिर गया। फाइन भी हो गया मेरा। ये गिर क्यों जा रहा है? बस इधर में मम्मा इसमें पक्का जीतेगी। धीरे से, धीरे से, और इसको भी मैं ले लूंगी। हाँ हाँ, हम तो केला पत्ता खेल रहे हैं इसलिए। केला पत्ता नहीं, कोला गाच। केला पेड़। हाँ, केला का पेड़। आज है नेक्स्ट डे, मतलब सैटरडे, और कल रात को फिर डिनर के टाइम पे मैंने सिर्फ लास्ट शायद शूट किया है कि मैं बैंगन का भरता को मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद खाना खा के फिर थोड़ा ना मतलब लाइट का भी प्रॉब्लम हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी का जा रहा था आ रहा था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाता नहीं है बोल के हमने अब तक इन्वर्टर नहीं लिया, क्योंकि पूना में लाइट रहता है जाता नहीं है, बट शायद वेदर की वजह से कुछ होगा। ब्रेकफास्ट टाइम तो आपको आवाज़ आ रहा होगा, मिष्टू का ब्रेकफास्ट करके सास ज्वाइन हो गई है, और सैटरडे है तो अनुरुद्ध का भी वर्क फ्रॉम होम है, वो भी बेडरूम पे ऑफिस कर रहे हैं इसलिए डोर बंद है, और मिष्टू यहाँ क्लास कर रही है अपने रूम पे,
और मैं यहाँ ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। अभी जस्ट ना शावर लेके आई हूँ अच्छे से थोड़ा शैम्पू करके, तो मैं अभी आके आराम से ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और आज हमारे ब्रेकफास्ट में है ब्रेड ऑमलेट। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज है मेरे भैया भाभी का एनिवर्सरी, वहाँ पे लोग सेलिब्रेट करेंगे। और नेक्स्ट सैटरडे है हमारा एनिवर्सरी। अभी लंच बना के मैं बनाने वाली हूँ खीर, विदाउट एनी रीजन, सिवाय की खीर, जिसका रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कॉर्नर का कैबिनेट है, यहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा बड़े बड़े पैकेट्स है जो कि वो ब्लू वाले ड्रम पे भी रखने के बाद बहुत कुछ एक्स्ट्रा हम कभी कभी लेके आते हैं ना, तो वो रखती हूँ। तो सिवाय का ऐसा है बड़ा सा पैकेट लाई थी एक्स्ट्रा, ऐसे कंटेनर पे चीनी रख के उसको भी ऊपर वहां पे रखती हूँ। दो लीटर दूध को अच्छे से उबाल के देखिए इसका जो मलाई है वो आ गया है, और अभी फ्लेम बंद है। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा कढ़ाई लिया है क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। कि घी पर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है काफ़ी सारा, मतलब काजू और किशमिश। किशमिश एकदम फूल के गोल गोल हो गया है, अब इसको मैं उठा लूँगी। इसको एक बार घी में रोस्ट कर लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ, यही है उसमें डाल दूंगी। और हमको अच्छे से इसको फ्राई करना है घी में जब तक ये थोड़ा थोड़ा सा इसका जो कलर है चेंज ना हो। पांच छोटी इलायची लिया है, थोड़ा कूट लूंगी। फ्राई हो गया है, इतना डाला ताकि थोड़ा अच्छे से बॉईल हो जाए, फिर बाकी का दूध मैं जब थोड़ा हल्का बॉईल हो जाएगा तब डालूंगी। तो इसको अभी हम उबलने देते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, मोटा सिवई है। मलाई है दूध का वो अलग से ऐसे कटोरी पे उठा के मलाई रखा है, मैं लास्ट में ये दूंगी ऊपर से। सिवई जो है वो एकदम कुक हो गया है, इस टाइम पे मैं दूंगी चीनी। मैं बाकी जो दूध है वो भी डाल दूंगी। तो खीर अच्छे से हो गया है, उबल गया है। अभी मैं लास्ट में जो मलाई दूध का उठा के रखी थी वो भी दे रही हूँ। मैं ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखी थी वो भी दे दूंगी। जो छोटी इलायची को मैं पाउडर बना के रखी हूँ उसको भी दे दूंगी। गाड़ी चला। और खीर जो है हमारा वो फुल रेडी है, कलर एकदम चेंज हो गया है। अभी लास्ट मैं इसमें दूंगी थोड़ा सा घी। घी को मिक्स कर देंगे। जैसे हम कोई भी हलवा, सूजी का हलवा पे भी लास्ट में घी देते हैं, मतलब मैं तो देती हूँ गाजर का हलवा, सूजी का हलवा में लास्ट में एक बार घी देती हूँ। बस ये बन चुका है, अभी इसको हम एक बार मिक्स करके बंद करके फ्लेम ढक के मैं रख दूंगी। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बनता है। आप अगर चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को रख के थोड़ा कट करके ऊपर से गार्निश भी कर सकते हैं, बट मैंने एक ही बार में दे दिया है। और इसको हम थोड़ा ठंडा करके फिर आफ्टर लंच एंजॉय करेंगे। हमारा पूरा लंच दिखाती हूँ। मैंने अभी एक भुर्जी बनाया है, यहाँ पे तीन एक एक ऑमलेट एक एक बार बनाने से अच्छा है मैंने तीनों अंडे को एक साथ फोड़ के एक भुर्जी बना दिया है। इसमें ग्रीन पीस और कोरिएंडर भी दिया है, और उसके साथ है यहाँ पे दाल, और यहाँ पे बनाया है बीन्स आलू फ्राई क्योंकि ये मिष्टू को बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं बनाती हूँ। करेला फ्राई आलू से, ये फिश है जो कि कल का है तो एक पीस बच गया था, ये अनुरुद्ध खा लेंगे। ये हमारा लंच। खीर थोड़ा ज़्यादा क्यों बनाया, क्योंकि ना मेरे पास थोड़े मेरे नेबर्स के कंटेनर्स थे तो उसमें भी मुझे भर के देना है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा खीर बनाया, तो हमारे लिए इतना बचा है वहाँ पे देने के बाद। तो चलिए हमारा खीर भी रेडी है, सर्व कर दिया है वो हम लोग, अभी तो गर्म है। मैंने लंच दे दिया है मिष्टू को खाने के लिए, वो खाना स्टार्ट कर दी है और हमारा भी सर्व करके लेके आए हैं। तो चलिए
घड़ी का आवाज हो रहा है। खीर ना इस तरह से बना के खाइए, और फुल क्रीम मिल्क होता है तो उसमें और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद गाढ़ा हो के एक क्रीमी टेक्सचर हो जाता है खीर का। तो इस तरह से खीर बनाइए, खाइए, और अभी तो विंटर है, गरम गरम खीर भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो वेदर है यहाँ का पूरा सुहाना हो गया है घूमने जाने का, तो लंच के बाद देखते हैं, अगर अनुरोध को मीटिंग नहीं है तो हम लोग थोड़ा ऐसे घूम के आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय 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 बाय।